नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक हेल्थ वीडियो के साथ मैं सोनू ठाकुर उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, हम कैसे जानेंगे। अगर आपके घर पे भी मेडिसिन मौजूद है तो आपको मालूम ही नहीं रहता कि मेडिसिन किस काम आएगी। खासतौर पे जब आपको कोई इंजरी होती है, चाहे घाव लगा हो, चाहे सर्दी हो, बुखार हो या खांसी हो, तो आप जाते हैं मेडिकल शॉप से, दवा तो लेते आते हैं, एक दो दिन में आराम भी मिल जाता है, काफ़ी दवा बच जाती है और वापस आप नहीं करते हैं, तो दवा रहती है आपके पास। जब फिर कभी वैसा इंजरी होता है तो आप फिर दवा तो रहती है लेकिन आपको मालूम ही नहीं रहता कि ये दवा किस काम आएगी, तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, फिर आपको मेडिकल शॉप ही जाना पड़ता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ कॉमन दवाओं के बारे में, जो हमारे रेगुलर यूज होते हैं, रेगुलर इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं सबके पूरी दवा को तो एक साथ बता नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो कुछ कॉमन दवा जो हम रेगुलर यूज करते हैं उन सबके बारे में, तो कैसे आप जानेंगे कि ये मेडिसिन किस काम आती है और अगर आपके घर पर मौजूद है तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं कुछ कॉमन दवाओं के ही बारे में बताऊंगा, जैसे दर्द की दवा। दर्द की दवा काफ़ी कॉमन है, हर किसी को हो ही जाता है, किसी को सिर दर्द, पैर दर्द, कोई ना कोई दर्द लोगों को हो ही जाता है, तो दर्द की दवा काफ़ी कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में मेडिसिन है, आपको पहले दर्द हुआ है तो आप मेडिसिन लाएँ, लेकिन अब आपको मालूम ही नहीं कि दर्द की दवा किस चीज़ की दवा, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है लोगों को छोड़े तो नहीं मालूम होता है, तो आप कैसे जानेंगे कि दर्द की दवा है। तो फेनाक ग्रुप आता है जो एनाल्जेसिक ग्रुप का होता है, एनाल्जेसिक मतलब दर्दनाशक दवा होती है, तो वो फेनाक ग्रुप की आती है। तो आप कोई भी जैसे जीरोडाल पी लेते हैं या डायलोना फोर्ट लेते हैं, तो उसके ऊपर देखिएगा, हमेशा साल्ट नेम से ही आप जान सकते हैं कि दवा किस काम आती है, क्योंकि मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या आई बटन में आपको डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि साल्ट नेम कैसे जाने, हर दवा के ब्रांड नेम और साल्ट नेम अंतर होता है, तो आप साल्ट नेम से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड नेम तो हर हजारों कंपनी या हर कंपनी का चेंज होता रहता है। तो साल्ट देखिएगा, आप जीरो डाल पी के ऊपर देख लीजिए, सिलोफेनाक है, डायलोना फोर्ट के ऊपर देख लीजिए, डाइक्लोफेनाक है, या पामाजिन पे देख लेंगे उस पर भी डाइक्लोफेनाक है, तो लास्ट में फेनाक ही आएगा, चाहे आप एसिलोफेनाक ले चाहे डाइक्लोफेनाक ले। तो ये सारी मेडिसिन दर्द की दवा होती है, ये एनाल्जेसिक ग्रुप की होती है जो दर्द में काम आती है। तो हमेशा ध्यान देगा, अगर आपके पास टेबलेट है उस पर लास्ट में फेनाक आया है, चाहे वो एसिलोफेनाक हो चाहे डाइक्लोफेनाक हो, कोई भी फिनाक आया हो तो दर्द ग्रुप की दवा है, एनाल्जेसिक दवा तो दर्द में काम ही आती है, तो आप दर्द की दवा ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी दवाएं और भी दर्द की आती हैं लेकिन उतना तो बड़ा आप जान नहीं सकेंगे, क्योंकि निमोसलाइड कौन कौन सी आती हैं उतना तो जान नहीं सकते, लेकिन ट्रामाडॉल्स काफ़ी तेज दर्द में काम आता है, ट्रामाडोल वो भी आती है, लेकिन सबसे कॉमन चीज़ होता है वो फेनाक ग्रुप होता है। तो अगर फेनाक आ रहा है, एसिलोफेनाक आ रहा है या डाइक्लोफेनाक आ रहा है, तो आप समझिए कुछ दर्द की नाशक दवा है, तो आप दर्द में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे कॉमन दवा की बात करें दोस्तों, तो गैस की दवा। गैस की दवा आजकल काफ़ी कॉमन हो गया, हर किसी ना किसी को गैस होता ही है, लगभग 70-75% लोग आबादी को गैस है ही है, किसी को है भी नहीं तो हो जाता है, 10-15 में एक बार गैस हो ही जाता है। तो गैस की दवा आज के समय में काफ़ी कॉमन हो गई, तो आप गैस की दवा कोई भी लेते हैं तो उसके ऊपर देखिएगा, ध्यान दिया होगा, ब्रांड नेम पर कभी मत जाइएगा, आप साल्ट नेम पर ही जाइएगा, उस पर लास्ट में जोल दिया रहता है। कोई भी गैस का आप दवा लेंगे, आपको ऊपर जोल लिखा रहेगा, तो जोल जो ग्रुप होता है वो गैस्ट्रो रेस्टोरेंट ग्रुप होता है, जिसे गैस में ही दिया जाता है। तो जोल ग्रुप की जितनी भी दवाएं आती है वो गैस में काम आती है। तो आपके पास अगर ओमेप्राजोल हुआ, पेंटाप्राजोल हुआ, रेबीप्राजोल हुआ, आप कभी भी लेते हैं, ओमी लेते हैं या ओमेज लेते हैं या ओसिड लेते हैं, या पेंटाप्राजोल ग्रुप में पेन 40 आता है, पेंटाप 40 आता है, पेंटाप डी आता है, तो पेंटाप्राजोल हो गया। अब रेबीप्राजोल में रेबिकैन डी एस आर हो गया, रेबलाकेम डी एस आर हो गया, बहुत से आते हैं, तो सब में देखिए लास्ट में जो रेबीप्राजोल लें या पेंटाप्राजोल लें या ओमेप्राजोल लें, ये ब्रांड दवाओं के हैं जिसपे ऊपर दिया रहेगा, आप साल्ट हमेशा देखिएगा, जोल दिया होगा तो समझिए वो गैस्ट्रो रेस्टोरेंट की दवाएं हैं, वो अब गैस में काम आती है। तो जिसके लास्ट में जोल आएगा उसके समझिए कि आप वो गैस की दवा, आप इसका इस्तेमाल गैस में रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत से ग्रुप आते हैं, जैसे रेंटीडाइन आता है, जो सिला का था वो रेंटीडाइन ग्रुप का था, जिनटेक वो रेंटीडाइन ग्रुप, वो भी गैस में आते हैं, और भी बहुत से साल्ट जो गैस में आते हैं, लेकिन खास तौर पे जोल ही आती है जो गैस में ज़्यादा काम आती है। अब तीसरे कॉमन मेडिसिन की बात करें दोस्तों, तो एंटीबायोटिक दवाएं। हर दवा के साथ एंटीबायोटिक दवा दी ही जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, चाहे वो आपको 2-3 दिन से बुखार लग रहा हो या खांसी ना छोड़ रहा हो, कोई भी अगर रोग छोड़ता नहीं है तो उसके साथ एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है। तो उसके लिए आपको पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाएँ आती हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिन हुआ, एम्पिसिलिन हुआ, चाहे डाइक्लोक्लोक्सासिन हुआ, तो लास्ट में देखिएगा सिलिन लगा हो, तो जो सिलिन ग्रुप की दवाई होती है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवाई होती है। तो आप इस एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप एम्पीलॉक्स लेते हो, चाहे क्लेवम 625 लेते हो उसमें एमोक्सिसिलिन है, चाहे आप मॉक्स 500 लेते हैं उसमें भी एमोक्सिसिलिन है, चाहे आप एम्पीलॉक्स लेते हैं उसमें डाइक्लोक्लोक्सासिन है, तो जितने लास्ट में सिलिन आएगा तो समझिए वो एंटीबायोटिक दवाएँ हैं, पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाएँ जो बैक्टीरिया को खत्म करने में सहायक होती है। तो अगर कोई भी दवा रोग छोड़ता नहीं है तो इसमें इसका इस्तेमाल करने को दिया जाता है कि आप एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करें, आपका रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो जिसके लास्ट में सिलिन आया होगा तो आप समझ जाएगा कि वो एंटीबायोटिक मेडिसिन है।
अब चौथे कॉमन मेडिसिन की बात करें दोस्तों, तो दांत खाज खुजली की मेडिसिन। ये भी आजकल कॉमन हो गया, हर किसी को दांत खाज खुजली हो ही जाता है। तो आप देखेंगे हमेशा कि नजोल लास्ट में आता है। नजोल ग्रुप की जितनी मेडिसिन होती है वो एंटी फंगल मेडिसिन होती है, वो आपके दांत खाज खुजली में ही काम आती है। नजोल ग्रुप में अधिकतर देखिए जैसे फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, केटोकोनाजोल, तो ये सब लास्ट में नजोल आ रहा है, तो समझिए एंटी फंगल मेडिसिन है। ये दांत खाज खुजली में काम आती है, चाहे आप इट्राकोनाजोल ले, चाहे फ्लूकोनाजोल ले, चाहे केटोकोनाजोल ले, तो ये सब एंटी फंगल मेडिसिन है और इसके लास्ट में नजोल ही आएगा। तो नजोल ग्रुप की जितनी मेडिसिन है वो एंटी फंगल मेडिसिन आती है। एंटी फंगल मतलब दांत खाज खुजली में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो, उसमें ये काम आती है। तो आपके घर पर अगर नजोल किस्म की दवाएं हो, नजोल लिखा हो जिसके लास्ट में जैसे केटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल, तो आप वो एंटी फंगल मेडिसिन है, उसे दांत खाज खुजली में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे क्रीम हो तो क्रीम आप लगा सकते हैं, चाहे टेबलेट हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साबुन भी आता है, केटोकोनाजोल का साबुन भी आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम हो। तो नजोल ग्रुप की दवाएं एंटी फंगल ग्रुप की मेडिसिन होती है। पांचवें कॉमन मेडिसिन की बात दोस्तों करें तो एसोन साल्ट की दवा, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप में आती है, जैसे बेथामेथासोन, डेक्सामेथासोन, डिफ्लेरासोन, ये सभी दवा एसोन में आती है। सभी के लास्ट में देखेंगे एसोन दिया ही है। तो एसोन मतलब कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो इन्फ्लेमेशन में काम आती है, जैसे घाव हुआ हो या कोई भी डिजीज हुआ हो, अन्य दवाओं के साथ दिया जाता है इसका काम बढ़ाने के लिए। काफ़ी बेस्ट ये दवाई होती है, किसी भी दवा के साथ देने पर इसकी क्षमता बढ़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेथामेथासोन, डेक्सोना आता है या बेटनेसॉल आता है, हाफ यूपी के मरीजों को साथ में दिया जाता है स्टार्सालिन के साथ, क्योंकि उसका पावर को बढ़ा दे। तो ये काफ़ी बेस्ट दवा है सोन, ज़्यादा काफ़ी सस्ती भी जाती है और काफ़ी ज़्यादा इसका लोग भी इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर बेटनेसॉल और डेक्सोना टेबलेट कर। तो ये है कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की, जो इन्फ्लेमेशन में काम आती है, कोई भी ग्रुप, कोई भी दवा का पावर बढ़ाने में काम आती है। तो काफ़ी बेस्ट ये मेडिसिन है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी और मेडिसिन या साल्ट के बारे में जानना होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इतने सारे मेडिसिन, इतने ज़्यादा साल्ट है कि आप एक साथ सभी का नहीं बता सकते और बहुत उसके लिए वीडियो बनाना पड़ जाएगा। अगर आप सभी साल्ट के लिए, हज़ारों साल्ट हैं, रोज़ नए नए साल्ट का आविष्कार हो रहा है, तो हर साल्ट पे तो आप बना नहीं सकते। अगर आपको किसी साल्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में जरूर उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।